हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के मैच रिव्यूज और फैंटेसी 11 प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज मैं और अंकित आपके साथ सेकेंड ओडीआई ऑफ आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड को डिस्कस करेंगे। ये मैच आप लाइव फैन कोर्ट पे देख सकते हैं। ये मैच आज 9 सितंबर को आप 3:15 पे ये मैच टेलीकास्ट होगा फैन कोर्ट पे, वहां पे आप ये मैच का रिव्यू देख सकते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ओडीआई के बारे में। सो अंकित, हमने देखा था कि आयरलैंड काफी अच्छे फॉर्म से आए थे श्रीलंका के खिलाफ, उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन दिया था ओडीआईज में, एंड देन उन्होंने 2-1 से वहां पे लीड किया था। एंड अगर उस फॉर्म की बात करें तो डेफिनेटली उन्होंने यहाँ पे उसको कंटिन्यू किया एंड 210 रन उन्होंने भी बनाए थे। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी चूज करी थी टॉस जीतकर, जिसमें पेंडरगास्ट का हमने देखा कि वो कंसिस्टेंट रही, उन्होंने 76 रन की एक अच्छी पारी खेली। कह सकते हैं कि शुरुआत में ओपनर्स काफी जो उनके उना रेमंड है एंड गैबी लुइस जो की कप्तान थी, दोनों को थोड़ा उनको प्रॉब्लम हुआ था स्टार्टिंग में, तो डक पे और 7 रन पे रिस्पेक्टिवली वो आउट हो गए। बट उसके बाद एमी हंटर ने भी 37 रन कॉन्ट्रीब्यूट किए, लिया पॉल ने भी 33 कॉन्ट्रीब्यूट करके वो 210 रन बने थे, पर ऑल आउट हो गए थे आयरलैंड, जिसके हम कह सकते हैं कर्सी टू केट क्रॉस जिन्होंने 6 लिया था। उनका कैप्टनसी डेब्यू था ओडीआईज में, एक बहुत अच्छा प्रदर्शन आया था केट क्रॉस की तरफ से, उनकी काफी बेहतरीन इकोनॉमी थी, उन्होंने 9.5 ओवर्स में उन्होंने ऑल आउट कर दिया अपने एंड उन्होंने 30 रन मात्र दिए थे। फिर अगर बैटिंग की बात करें इंग्लैंड की, तो वहां पे कह सकते हैं कि पेंडरग्रास ने वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम किया था, स्टार्टिंग में साझेदारियां नहीं बन रही थी। एमा लैम्ब और टैमी ब्यूमॉन्ट काफी सस्ते में उनको आउट किया था उन्होंने 4 और 10 रन रिस्पेक्टिवली, बट कह सकते हैं कि ओहली आर्मिटेज उन्होंने 44 रन की एक अच्छी पारी खेली थी, जिसका साथ पेट्स कोलफील्ड ने दिया था जिन्होंने 31 रन कॉन्ट्रीब्यूट किए। एंड एट द एंड अगर हम बात करें केट क्रॉस की कप्तान थी, उन्होंने बॉलिंग के साथ तो 6 लिया ही लिया था, साथ ही साथ उन्होंने 38 रन भी बनाए थे। सो वो एक काफी अच्छा लोअर ऑर्डर कॉन्ट्रीब्यूशन आया था, जिसकी वजह से 34.5 ओवर्स में ही इंग्लैंड ने आराम से ये चेस कर लिया 6 विकेट के नुकसान पे। सो अंकित, इस मैच के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाय प्रशस्ति, एंड अगर पहले मैच की बात करें तो काफ़ी कन्विंसिंग वे में इंग्लैंड ने मैच जीता, बिकॉज ऑब्वियसली 6 विकेट्स गए थे, टोटल ज़्यादा नहीं था, लेकिन अंत में जाकर ऐसा लग रहा था कि आयरलैंड ने वापसी करी थी उस गेम में, लेकिन शायद उतने रन भी नहीं थे, लेकिन केट क्रॉस की तारीफ करनी पड़ेगी, बिकॉज पहले 6 विकेट्स लेना एंड उस पोजिशन पर आके एट 7 डाउन आई थिंक टू स्कोर 38 ऑड रन, आई थिंक काफ़ी तारीफ करनी पड़ेगी, बिकॉज एक्सपीरियंस प्लेयर थी स्क्वाड में। अगर हम देखें तो 2-3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस है, उनमें से एक केट क्रॉस है, तो पहले गेंदबाजी के साथ योगदान देना एंड लेटर विद द बैट, आई थिंक काफ़ी तारीफ जाती है। एंड इवन बाकी यंगस्टर जैसे आपने नाम लिया था होली का स्कोलफील्ड, इवन उन्होंने रन बनाए, तो आई थिंक इंग्लैंड विल बी वेरी हैप्पी, बट आई थिंक आयरलैंड शायद सोचे कि शायद 250 वहाँ पे रन बनते उनके, तो शायद एक काफ़ी अच्छा कॉम्पिटेटिव मैच देखने मिलता, शायद रिजल्ट अलग होता, लेकिन नेवर माइंड, आई थिंक हमने देखा आयरलैंड को वापसी करते हुए जैसे श्रीलंका सीरीज में करी थी, तो उम्मीद करेंगे कि दूसरे मैच में उनका भी कमबैक हमें देखने मिलेगा। या केट क्रॉस का कह सकते हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन आया था, उनके बेस्ट बोलिंग फिगर्स थे एज अ कैप्टन, उन्होंने बहुत अच्छा कैप्टनसी डेब्यू पे हम कह सकते हैं 6 लेना एंड प्लस फिनिशिंग रन्स जो हैं इनके विनिंग रन्स जो कहते हैं हम, वो उन्होंने हिट किए थे, प्लस 38 रन्स की नॉट आउट पारी, उन्होंने एक अच्छी बैटिंग के साथ भी वहां पे उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन अंकित, एक मुझे और स्टार्ट याद आता है केट क्रॉस का, 6 एंड 30+ रन का अगर रिकॉर्ड हम देखें, सो आपको याद होगा कि सुनील लीस ने भी आयरलैंड के खिलाफ 2016 में भी ऐसा प्रदर्शन दिया था, जब उन्होंने वहां पे 52 रन बनाए थे एंड उन्होंने वहां पे 6 विकेट हॉल क्लेम किया था, तो वो एक अच्छा परफॉर्मेंस उनका हम कह सकते हैं। सो आई गेस ये दूसरी ही प्लेयर होंगी जिन्होंने 6 और 30+ रन भी बनाए होंगे साथ ही साथ, सो एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें दोनों प्लेयर्स की केट क्रॉस की तरफ से देखने को मिला था। सो बात करते, इतना हमने केट क्रॉस के बारे में डिस्कस किया है, सो एक बार उनके स्टैट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि और डिटेल में जानते हैं कि उनका परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है, क्या उनका फॉर्म कंसिस्टेंट रहा है ओडीआईज में। डेफिनेटली हम जानते हैं बहुत एक अच्छा उनके पास एक्सपीरियंस है, सो उनका अगर हम परफॉर्मेंस देखें ओडीआईज में, सो आप देख सकते हो कि उन्होंने 32 इनिंग्स अगर उनकी बैटिंग में आई है एंड उन्होंने पिछली बार ही बैट के साथ भी उन्होंने एक अच्छा हाई स्कोर परफॉर्म किया था, तो कह सकते हैं कि उनका बैटिंग में भी काफी हेल्प कर सकती हैं जो उन्होंने पिछले मैच में लोअर डाउन भी ऑर्डर किया। पर अगर बोलिंग स्टैट्स की बात करें तो 67 इनिंग्स में 95 विकेट्स, बहुत अच्छा ये पे यहाँ पे कह सकते हैं हम रेशियो इनका है, 3 फॉर 4 ले चुकी है, 3 5 है उनके नाम पे, रश पिछले मैच में हमने 6 देखा था, तो केट क्रॉस का एक अच्छा प्रदर्शन हम कह सकते हैं कि बॉलिंग में आता है ओडीआई फॉर्मेट में। सो अंकित,
उनका डिटेल अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ कि उनका परफॉर्मेंस आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? आई थिंक अगर हम ओवरऑल इंग्लैंड का स्कोर देखते हैं तो बॉलिंग लाइनअप को काफी हद तक लीड करी, ऑब्वियसली इस टीम की भी कप्तान है। एंड इवन अगर हम स्टैट्स देखें इन टर्म्स ऑफ उन्होंने जो मैचेस खेले, वहाँ पे 68 मैचेस लगभग वनडे फॉर्मेट में खेले एंड बाकी मैचेस इस वनडे फॉर्मेट में काफी सारे मैचेस है एंड काफी एक्सपीरियंस बॉलर है, काफी टाइम से इंग्लैंड के सेटअप का हिस्सा है, खास करके वो जो वनडे फॉर्मेट है वहाँ पे। एंड हमने कल देखा क्योंकि इन कंडीशन में केट क्रॉस जैसे गेंदबाज जहाँ पे नई बॉल के साथ काफी मदद मिलती है एंड ऑब्वियसली बैकेंड में भी काबिलियत रखती है, लेकिन आई थिंक इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही है वो है नई गेंद के साथ ओवर्स आना। एंड वहाँ पे हमने पहले वनडे में भी वही देखा था क्योंकि इनिशियली बैटर्स को स्टार्ट नहीं मिल पाया एंड इसलिए आयरलैंड उतने शायद रन नहीं बना पाया बिकॉज एक काफी अच्छी शुरुआत दी थी एंड शायद एज अ गेंदबाज आपका वही काम होता है कि इनिशियली विकेट्स चटकाना बिकॉज उसके बाद टीम बैकफुट पे आती है एंड काफी हद तक वही रोल उन्होंने किया। एंड प्रीटी मच आई एम एक्सपेक्टिंग कि इतना अच्छा फॉर्म कैरी करेंगे, आई एम प्रीटी श्योर कि सेकेंड मैच में भी ऑब्वियसली विद द बॉल नजर रहेगी, आई एम नॉट श्योर कि क्या एक बार फिर बल्लेबाजी का मौका आएगा, लेकिन आया तो डेफिनेटली हमने देखा है कि कैसे वो बल्लेबाजी करती है तो उसके अच्छे आई थिंक इंग्लैंड विल बी वेरी हैप्पी कंसिडरिंग वनडे वर्ल्ड कप भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सो इट्स गुड टू सी प्लेयर्स लाइक हर जो बल्ले के साथ भी आपको योगदान करके दे सकते हैं। सो इनके बारे में हमने बात करी कि केट क्रॉस का एक अच्छा परफॉर्मेंस था, पर अगर आयरलैंड से बात करें कि जैसे हमने देखा था कि श्रीलंका की जो सीरीज हुई थी उसमें हमने देखा एलियन केली ने स्टेप आउट किया था, उन्होंने वहां पे एक अच्छा प्रदर्शन दिया था उनकी तरफ से भी। सो वो पिछले मैच में हम कह सकते एक विकेट उन्होंने लिया था, पर कंसिडरिंग कि क्या वो बेटर और उससे हो सकता है, सो आपके अंकित उसके हिसाब से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि एलियन केली का कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है? सो उनके एक बार स्टैट्स भी देख ले तो उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम केली की बात करें तो आई थिंक आयरलैंड का अगर हम ओवरऑल प्लेइंग 11 देखते हैं या फिर उनका सेटअप देखें तो ऑलराउंडर्स पे काफी हद तक ये टीम निर्भर करती है, लाइक इवन उनके जो कप्तान है या फिर इवन बाकी प्लेयर्स देखें तो एंड उनमें से इवन आयरलैंड के लिए जैसे आपने मेंशन किया था, इवन श्रीलंका सीरीज काफी हद तक अच्छी गई थी उनकी, इवन थर्ड वनडे में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ऑब्वियसली थोड़ी बल्लेबाजी नीचे आती है, ज्यादा मैचेस खेले नहीं इस फॉर्मेट में, लेकिन अभी क्योंकि पिछले टाइम से आयरलैंड लगातार खेल रही है तो आई थिंक ये काफी क्रूशल प्लेयर बनते जा रही है। एंड इवन अगर हम उनके आंकड़े देखें खास करके तो शायद पूरे ओवर्स डाल रहे नहीं है, लेकिन आई थिंक एक और चीज हम देखना चाहेंगे आने वाले मैचेस में कि वो पूरे अगर 10 ओवर्स अगर पूरे डालते तो उनके पास वो काबिलियत है, बिकॉज श्रीलंका सीरीज में 3 मैचेस में 5 विकेट चटकाए थे एंड इवन कल के मैच में जो फर्स्ट वनडे हुआ था वहां पे भी उन्होंने बल्ले के साथ योगदान किया था एंड इवन बैटिंग में आई वुड से काफी डिसेंट स्टैट्स है जिसमें बिकॉज नीचे आ रही है, लेकिन आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर कि वो स्टैट्स और बेहतर होते जाएंगे जैसे वो आने वाले टाइम में और मैचेस खेलेंगे एंड आई थिंक वो एक्सपीरियंस आई थिंक ऑब्वियसली हेल्प्स एनी प्लेयर टू गेट इवॉल्व इन एनी ऑफ दिस फॉर्मेट। या एक कह सकते हैं कि अच्छा स्टार्ट मिला इंग्लैंड को, डेफिनेटली कहेंगे कि थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि स्क्वाड उनकी डिफरेंट थी जो वो T20 वर्ल्ड कप में लेके जा रहे, जो उनकी रेगुलर हम कह सकते हैं ओडीआई स्क्वाड है, सो उससे बहुत डिफरेंट थी ये आयरलैंड वाली स्क्वाड जो उन्होंने चूज करी थी, जिसमें हम बात करें कि केट क्रॉस ने एज अ कैप्टन उन्होंने डेब्यू किया, एक अच्छा परफॉर्मेंस आया था, प्लस उनका परफॉर्मेंस हमने देखा काफी प्रॉमिसिंग था एंड उन्होंने इवन आफ्टर दैट मैच उन्होंने काफी अच्छा उन्होंने एक चीज भी बोली कि लाइक शी इज आइंग ऑन दी वन डे वर्ल्ड कप जो कि होने वाला है इंडिया में, जो हम जानते हैं नेक्स्ट ईयर होगा, जिसके लिए चैंपियनशिप पॉइंट्स हम जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं इंग्लैंड इस समय सेकंड स्पॉट पे है, 26 पॉइंट्स हो गए अब उनके नाम पे, एक अच्छा परफॉर्मेंस आया था इंग्लैंड की तरफ से, तो एक काफी स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे इंग्लैंड, उन्होंने 19 गेम्स में 12 विन्स अपने नाम पे दर्ज करी हैं, सो कंसीडरिंग दैट इंग्लैंड बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। जहां तक सवाल है आयरलैंड की, तो आयरलैंड अभी भी 10th पोजीशन पे, उन्होंने 2 ही विन्स अपने नाम पे भी सिक्योर करी थी 16 में से, सो आयरलैंड को शायद थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है वो जो मार्क है उसको क्रॉस करने का, तो शायद वो क्वालिफायर्स के लिए, बट इंग्लैंड के लिए आई फील ये रोड बहुत क्लियर है, वो आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं इतने अच्छे पॉइंट्स के साथ। सो ये तो हमने बात करी सेकेंड ओडीआई के एंड फर्स्ट ओडीआई के बारे में, सो बात करते हैं सेकेंड ओडीआई की फैंटेसी टीम के बारे में कि वो कैसी हमारी टीम बनती है कॉम्बिनेशंस के हिसाब से, सो लेट्स हैव अ लुक एट द फैंटेसी टीम। अगर हम फैंटेसी की बात करें सेकंड वनडे के लिए तो शुरुआत करते हैं विकेट कीपर्स के साथ, जहाँ पे टैमी ब्यूमंड को सिलेक्ट किया है, ऑब्वियसली इस पिछले मैच में रन उनके बने नहीं थे लेकिन काफी एक्सपीरियंस बैटर है एंड इस फॉर्मेट
को काफी हद तक अच्छे से जानती है एंड टॉप ऑफ द ऑर्डर बल्लेबाजी करती है, काफी एक रिलायबल ऑप्शन बन सकती है खास करके विकेट कीपर्स में। एमी हंटर आयरलैंड की विकेट कीपर, उनको हमने सिलेक्ट किया, पिछले मैच पे रन भी बनाए थे एंड एज अ विकेट कीपर आपको फील्डिंग की भी पॉइंट्स को दे सकती है, इसके चलते वो हमारी दूसरी विकेट कीपर है इस टीम में। बैटर्स की तरफ मुड़ते हैं जहाँ पे गेबी लुइस, हालांकि पिछले मैच में उन्होंने रन नहीं बनाए लेकिन इंजुरी के बाद आ रही है एंड शायद काफी एक्सपीरियंस बैटर है, उस लिहाज से बैटिंग काफी इनकी इर्द गिर्द चलती है आयरलैंड की, उस लिहाज से एक अच्छी ऑप्शन बन सकती है गेबी लुइस। लिया पॉल पिछले मैच में इनके भी रन बने थे एंड काफी हद तक पिछला जो उनका फॉर्म है वो काफी अच्छा चल रहा है बिकॉज श्रीलंका वाली जो सीरीज थी वहां पे भी उनके रन बने एंड पिछले मैच में भी मिडिल ऑर्डर में आके उन्होंने क्रूशियल रन बनाए थे आयरलैंड के लिए। होली आर्मेटिक पिछले मैच में नंबर 3 पे आई थी एंड वहां पे उन्होंने रन बनाए थे 100 के बाद, एक काफी अच्छा 100 गया था एंड उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ इस स्क्वाड में, उस लिहाज से काफी अच्छा प्रदर्शन था इस यंग सेटअप जो इंग्लैंड का है, उसमें उन्होंने पहले वनडे में क्रूशियल रन का योगदान दिया था अपनी टीम को जिताने के लिए। ऑलराउंडर्स की तरफ मुड़ते हैं जहाँ पे ओरला हमारी कैप्टन है, पिछले मैच में 76 रन बनाए थे एंड 2 विकेट्स भी लिए एंड अगर हम पिछला दोहरा देखें ओरला का तो काफी अच्छा चल रहा है जहाँ पे शतक भी आए विकेट्स भी चटका रही है एंड कप्तान भी इस टीम की एंड हमारे फैंटेसी टीम की भी कप्तान है बिकॉज दोनों डिपार्टमेंट्स में काफी अच्छा योगदान करिए। एलन केली जो हमने की प्लेयर्स में भी बात करी थी कि पिछले मैच में भी रन बनाए थे एंड विकेट्स लेने की भी क्षमता रखती है, 6-7 ऑड ओवर्स आपको गेंदबाजी में दे सकती है एंड ऑब्वियसली बैटिंग में लो डाउन की ऑर्डर आती है, उसके चलते काफी अच्छी बल्लेबाजी भी करती है वहां पे जब नीचे बैटिंग करने आती है। प्रिया कैंप अगर हम इंग्लैंड का देखें तो एक काफी अच्छी पेसर है, पिछले मैच में एक विकेट छटकाया था एंड बल्लेबाजी के साथ भी 26 रन बनाए थे, उस लिहाज से काफी अच्छी ऑप्शन अगर हम ऑलराउंडर्स पे देखें तो बिकॉज बल्लेबाजी भी फ्लोटर का रोल भी एट टाइम्स निभाती है, जैसे हमने इंग्लैंड को देखा है उनको प्रमोट भी करते हुए अप इन द ऑर्डर। और एक प्लेयर जो इंग्लैंड की पेसर है रैना मैकडोनल्ड, उनको हमने सिलेक्ट किया, पिछले मैच में भी एक विकेट चटकाया था एंड इन कंडीशंस में पेसर्स का रोल काफी क्रूशियल है और काफी एडवांटेज मिलता है एज अ पेसर आपको इन कंडीशंस में गेंदबाजी करने का। बॉलर्स की बात करें तो 2 इंग्लिश पेसर्स को हमने सिलेक्ट किया, सबसे पहले केट क्रॉस, पिछले मैच में 6 विकेट चटकाए थे, 38 रन भी बनाए थे एंड एक काफी अच्छी ऑप्शन है एंड काफी अच्छा फॉर्म उनका है, नई गेंद के साथ आपको ओवर्स दे सकती है इवन बैकएंड में बिकॉज तो जहाँ पे विकेट्स लेने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं वहाँ पे ये गेंदबाजी करती है, उसके चलते हमारे टीम की वाइस कैप्टन है। और लॉरेन फिलर जिन्होंने पिछले मैच में एक विकेट चटकाया था वो हमारी दूसरी इंग्लिश गेंदबाज है इस टीम में। So this was our fantasy team of the second ODI. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी हमारी और भी वीडियोज हैं, प्लीज उसको भी चेकआउट कीजिएगा। इस टूर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज हैं वो आप अपडेट उनसे रह सकते हैं, अगर आप वो बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आप कोई भी अपडेट हमसे मिस नहीं करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।